दोस्तों आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने हालांकि गेस कर लिया होगा, मैं बात करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 865 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार ये प्रोसेसर तो अभी तक तो लॉन्च हुआ ही नहीं है। आज की डेट में तो 855 स्नैपड्रैगन सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है जो कि आपको काफी सारे फ्लैगशिप फोन के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों स्नैपड्रैगन 865 दुनिया का फास्टेस्ट प्रोसेसर होने वाला है क्योंकि ये दिसंबर के अंदर एक लॉन्च इवेंट जो कि स्नैपड्रैगन द्वारा ही आयोजित है, जो कि हवाई के अंदर होगा, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन टेक समिट, जो कि एनुअली वो लोग करते हैं। स्नैपड्रैगन, जिनको नहीं पता, एक अमेरिकन कंपनी है, सैन डिएगो बेस्ड कंपनी है, जो कि चिपसेट बनाती है, पावर हाउस जो होता है किसी फोन का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि स्नैपड्रैगन 865 क्यों दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है, उसका गीकबेंच का जो स्कोर लीक हुआ है, या फिर वो कौन से फोन के अंदर आने वाला है, कब तक आने वाला है, इसकी सारी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर को लॉन्च किया जाएगा, जो एक टेक समिट है जो स्नैपड्रैगन आयोजित करेगा 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। इसका नाम है स्नैपड्रैगन एनुअल टेक समिट 2019 और हवाई के अंदर ये टेक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्नैपड्रैगन के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोसेसर बना है सैमसंग की 7 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर, और सैमसंग ने अभी तक एज ऑन डेट 5 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी को भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक ला चुका है। मतलब सैमसंग इतना आगे काम करता है, आप सोच सकते हैं कि कितनी इनोवेटिव कंपनी है। लोग कहते हैं एप्पल बहुत बड़ी इनोवेटिव कंपनी है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि सैमसंग बहुत बड़ी इनोवेटिव कंपनी है। बहुत सारे पेटेंट्स वो रेगुलरली फाइल करते हैं, हालांकि हम वीडियो थोड़ा हट रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरा बताना यहाँ पे फर्स्ट था। दोस्तों यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 दो वेरियंट के अंदर आएगा। पहला जो वेरियंट आएगा आपको वो LTE वाला मॉडल रहेगा, आई मीन टू से 4G वाला आपका प्रोसेसर रहेगा। दूसरा वाला जो रहेगा 5G को सपोर्ट करेगा, और जिसके अंदर आपको X55G मॉडम देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो 7 नैनोमीटर वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आपको पावर कंजप्शन 15-20% तक इंप्रूव देखने को मिलेगा, यानी आपको कम पावर के अंदर मैक्सिमम या ज्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है 865, जो कि दुनिया का सो कॉल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर है, ये कौन कौन से फोन के अंदर आएगा? क्या ये सैमसंग के किसी फोन के अंदर सबसे पहले आएगा, या शाओमी के फोन के अंदर पहले आएगा, या फिर एप्पल के किसी, एप्पल के हालांकि वो अपना अलग ही चलते हैं, बायोनिक A13, A12, A14 उनका फंडा अलग ही रहता है, तो ये कौन से फोन के अंदर आएगा? जी हाँ दोस्तों, ये इनमें से किसी भी ब्रांड के फोन के अंदर नहीं आएगा। चाइना का एक लग्जरी ब्रांड है 8848। जी हाँ दोस्तों, आपको नाम सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन चाइनीज ब्रांड है 8848, जिसका नाम है टाइटेनियम M6 5G। और ये जो हैंडसेट है, आई मीन ये जो कंपनी है 8848, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी एंटीक होते हैं। आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं इनके कुछ फ़ोन्स जो पहले लॉन्च हुए हैं M3 M4, वो अपने आप में मतलब देखने में बहुत अलग है। हालांकि बेसिकली एक वॉच बनाने वाली कंपनी है, यहाँ पे ये फ़ोन के अंदर इस प्रोसेसर को डालेंगे जो कि ये फ़ोन कहलाएगा दुनिया का सबसे पहला फ़ोन जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 आएगा। दोस्तों बात करते हैं कि ये फ़ोन आपको, या फिर ये प्रोसेसर आपको कब तक लॉन्च होता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दिसंबर के अंदर जो टेक समिट होगा वहाँ पे ये शोकेस किया जाएगा। उसके बाद आपको Q1 2020 के आसपास ये फ़ोन के अंदर आ जाएगा। आई मीन टू से कि जो टाइटेनियम M6 वाला 5G हैंडसेट है, ये 2020 के आसपास आपको, अर्ली 2020 के आसपास ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। फ़ोन की प्राइस रेंज वगैरह क्या है अभी तक आउट हुई नहीं, क्योंकि ये एक लग्जरीस ब्रांड है, तो जाहिर सी बात है मतलब कम कीमत में तो आपको ये देखने को मिलेगा नहीं। और जैसा कि स्नैपड्रैगन पहले भी आई मीन टू से 855 जब उन्होंने लॉन्च किया था, इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के ऊपर उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया था, काफ़ी हद तक उन्होंने फोकस किया था 855 को, यहाँ पे भी वही आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है कि 865 भी मशीन लर्निंग, AI या फिर आपकी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड रहेगा। मतलब यही इनके मेन हाईलाइट रहेंगे इस प्रोसेसर को चिपकाने के लिए। अब दोस्तों लास्टली मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे एक सोर्सेस से, या फिर आप कह दीजिए कुछ लीक्स आए हैं, हालांकि कन्फर्म नहीं है, बट जो लीक्स आए हैं वो ये कहते हैं कि जो स्नैपड्रैगन 865 है उसके जो गीक स्कोर हैं वो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको सिंगल कोर की परफॉर्मेंस मिलेगी 4160, और मल्टी कोर के अंदर आपको यहाँ पे गीक स्कोर मिलेगा 12946, जो कि कंपैरिजन अगर हम करते हैं 855 के साथ, तो 855 का सिंगल कोर जो परफॉर्मेंस थी वो 3500, और मल्टी कोर गीक स्कोर था आपका 11000। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो जिसके अंदर आपको बताया कि स्नैपड्रैगन 865 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, और कब तक ये लॉन्च होने की आपको उम्मीद है, कौन से फोन के अंदर ये आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ जो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर के पेजेस को आपने लाइक और फॉलो नहीं किया वो भी कर लीजिए। ID जब भी आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही होगी जाके आप फॉलो और सब्सक्राइब या लाइक कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।